स्कूल। चलो चलो भाई अपन लोग चले। हाँ बाय बाय। चलो दादी कहाँ है? चलो भाई आरफ को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। आजा ये आरफ का फ्रेंड है, ये साइकिल से जा रहे हैं वहां तक। गुड मॉर्निंग। बोलो हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। भगवान के हाथ जोड़ लो, मंदिर आ गया, भगवान के हाथ जोड़। तुम भी जोड़ लो, आरव ने भी जोड़ लिया। चलो भाई आ जाओ। चलो आगे गणेश जी भगवान है, उनके भी जोड़ लो। कितना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह स्कूल जाओ और भगवान के हाथ जोड़ के जाओ। वाह जी मजा आ गया। पीछे गाड़ी आ रही है, देख के आ जाओ। बाय बाय कर दो। आज शायद ना कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बने हमारा। प्रोग्राम के कहीं जाना है, मैं बताऊंगा आगे रास्ते में तुमको। तो ये सारा सामान गाड़ी में रख लेते हैं। कि ये है हमारी जम्पर अगर बैटरी डाउन हो जाती है, और ये है हमारा हवा भरने वाला कि बाय चांस पंचर हो जाए और हम फंस ना जाएं। तो ये सामान मैं रख दूँ जिससे क्या ना इमरजेंसी में काम आएगा। इसको फोल्ड कर लूँ पहले तरीके से। तो ये अपन ने रख दिया सामान और अभी चलते हैं रेडी होने के लिए। तो ये काम भी ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। ये देखो हार्ले डेविडसन, क्या मस्ती लगती है। बड़ा मेरा बड़ा मन करता है लेने का, लेकिन कभी देखो कभी भगवान ने साथ दिया तो ले लेंगे। लेकिन अलग इसका साउंड ही बहुत बढ़िया है इसका, मतलब ऐसा करती है धुक 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 धुक, मतलब चलती है ना साउंड। और इसका इंजन ही मेरे ख्याल से तकरीबन होगा कुछ नहीं तो 1200-1400 cc का इंजन होगा। एक कार से भी, मतलब स्विफ्ट कार है उससे भी बड़ा इंजन है इसका। तो बहुत ही बढ़िया बाइक है ये। एक भाई की अपनी संडे को जाता है सुबह सुबह, ये लोग ना इनका एक ग्रुप है तो ग्रुप के साथ जाते हैं ये लोग। चलो यार अब सारी चीज़ चेक कर लेते हैं, हवा पानी क्या है। डीजल भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएंगे ऑफिस। और प्रेशर भी ठीक है। तो चलो भाई और अपन निकलते हैं ऑफिस के लिए, आप करेंगे रास्ते में बात आप। चलो तो अब आ गए हम बारापुला पे और चल रहे हैं टूवर्ड्स ऑफिस की तरफ। और अभी एक ना इशू आ रहा है गाड़ी में एक्चुअली, मतलब ये देख रहे हो ना ये लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये लाइट जो होती है ये होती है कि या तो इसका डीजल फिल्टर ख़राब हो गया, या डीजल के अंदर कुछ मिलावट है, या फिर क्या कहते हैं सेंसर का कुछ इशू है इसका ना। मतलब मेन तो डीजल फिल्टर ख़राब हो गया है, या क्या कहते हैं डीजल में मिलावट है, या डीजल में कुछ पानी पूनी कुछ ऐसी चीज़ उसका होता है। ये तो मैंने पढ़ा था, तो ये मैंने फिर मैकेनिक को दिखवाया अभी थोड़े दिन पहले। तो मैकेनिक ने क्या कहते हैं इसको देखा, उसने फ़िल्टर चेंज कर दिया। फ़िल्टर ओके था, फिर मैंने कर दो यार। तो मतलब फ़िल्टर तो सस्ता ही था, 600-700 rupees, 800 rupees का। मतलब फ़िल्टर चेंज करा लिया उस दिन, ठीक था, फिर खड़ी कर दी। अब मैं फिर आज स्टार्ट करी तो आज यही इशू आ गया। देख रहे हो ट्रैफिक, ये देखो भाई साहब आधे घंटे से खड़ा हूँ पिछले ना यहाँ पे, और फुल जाम है, फुल। मतलब ऐसे जैसे चीटी की तरह चल रहा है। मतलब जो ये रास्ता है ना तकरीबन होगा ये 1 kilometer होगा, और इसे 1 kilometer को पार करने के लिए ना हमें कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। तो ये है दिल्ली का स्ट्रगल। ये देखो खड़े हुए हैं भाई साहब, पता नहीं लाखों लीटर डीजल पेट्रोल यहाँ पे ना जल रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। कि कोई ऐसा सोल्यूशन दिया जाए यहाँ पर कि कुछ ब्रिज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें। ये देख रहे हो किस तरीके से, देखो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, पीछे आ रही है एम्बुलेंस आ रही है, वो बेचारी एम्बुलेंस फंस गई है, काफ़ी पीछे है। अब कहाँ ही गाड़ियाँ निकलेंगी, कैसे एम्बुलेंस निकलेगी।
इतना पैनिक हो जाता है ना कभी कभी। अभी चलो अपन लोग तो ऑफिस जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएंगे। या एम्बुलेंस में पेशेंट है, अब उसका देखो उसका क्या होगा, उसके लिए एक एक सेकंड कितना ज़्यादा कीमती है, चलो कहीं बोल सकते हैं। चलो गाइस ऑफिस पहुँच गए थे, अब पहुँच के अब करते हैं काम। ये टेक्नीशियन का ना डेमो चल रहा है, माइक्रोवेव ऑन कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। पहला फंक्शन है इसमें माइक्रोवेव, ये अब इसमें लिखा आ रहा है, हाँ माइक्रोवेव, पहला फंक्शन माइक्रोवेव, इसमें आ रहा है P400। P4 है क्या? P4 पावर, हीटिंग पावर। अब आपको कुछ खाना जल्दी से गर्म करना है या कम गर्म करना है, इसको हीटिंग पावर यहाँ। अब इसको हमने कितनी हीटिंग पावर लेनी है उसको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म कहां से करेंगे हम? इस पर लिखा हुआ स्टार्ट और कंफर्म, ये हो गया हमारा कंफर्म। अब इसमें हीटिंग पावर जो कंफर्म हुई है वो 100 हुई है। हाय दोस्तों, जैसे सुबह बात कर रहे थे कि आज हमें कहीं जाना है, तो एक हमारे ऑफिस में लड़का है, उसकी आज शादी है अलीगढ़, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो अभी देखते हैं जाते नहीं जाते, क्या प्रोग्राम मिलता है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि जाते नहीं जाते। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप कमेंट कर देना। जब तक के लिए ओके टाटा, बाय 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 बाय।